लोकसभा चुनाव हुए मई में, उस चुनाव में एक चीज होती है अजीत पवार, आप अपनी धर्मपत्नी सुनेत्रा जी को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ाते हैं। अब मुझे आज सच बताइए, क्या ये सही है कि अमित शाह जी ने आपको कहा कि आपको लड़ाना पड़ेगा? अगर आप वाकई इस अलायंस में रहना चाहते हैं तो आपको सुप्रिया सुले और शरद पवार को टक्कर देनी पड़ेगी, क्या ये आपको अमित शाह जी ने कहा था और उस वजह से आपने उनको लड़ाया? बिल्कुल मुझे किसी ने नहीं कहा था, पहले ही मैंने आपको बताया है, मैं किसी का नहीं सुनता, मेरे मन में जो आता है वो मैं करता हूँ। लेकिन उसमें अमित शाह ने बताया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, और बाद में जब रिजल्ट आया और कुछ दिन गए तो मेरे मन में आया कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, तो मैंने किसी के इंटरव्यू में बता दिया कि वो मेरा वो गलती थी आपकी, वो गलती थी, मैंने बताया ना, वो मैंने वैसा नहीं करना चाहिए था। बाद में जो काम करता है ना वही गलती करता है, जो काम ही नहीं करता है उसकी गलती होती ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता। नहीं नहीं, पर ये बताइए, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, एनसीपी टूट गई, आप अपने ही, मैं किस तरह से उनको कहूँ, आपके गुरुजी कहूँ उनको, शरद पवार जो है जिन्होंने आपको एक तरह से राजनीति में लाया, उनके खिलाफ आप चले गए, आपने एनसीपी को तोड़ा, फिर आप अपनी पत्नी को सुप्रिया के खिलाफ लड़ाते हैं बारामती में, क्या कहीं ना कहीं जब आप रात को सोते हैं तो सोचते हैं यार ये गलत किया, शरद पवार के जो इतने साल से मेरे बेनिफैक्टर थे, मेरे गुरु थे, उनके खिलाफ मैंने बगावत की, ये भी सोचते हैं? ये बगावत वगैरह कुछ नहीं की, आप गलत पूछ रहे, मैंने बहुत दफा बताया, अभी वो जो इश्यू हुआ है उसको एक साल हो के गया, वो बार बार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नो रिग्रेट, मैंने तब बताया था, हमने बहुत दफा, जब उद्धव जी ठाकरे का गवर्नमेंट अभी जाने वाला है, मेजोरिटी वो उनके हाथ में नहीं रही थी, खुद एकनाथराव जी शिंदे चीफ मिनिस्टर ने कुछ विधायकों को लेके वो बाहर सूरत गए थे, तब हमें पता चला, मैं मंत्रालय में बैठा था कि अभी ये गवर्नमेंट जाएगा, मेरे चेंबर में, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही था तब, मेरे चेंबर में सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक इकट्ठा हुए, तब जो मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे वो भी सब इकट्ठा हुए, सबने एक लेटर तैयार किया, वो लेटर सबने साइन करके हमारे लीडर पवार साहब के पास वो भेजा, हमारा तब का मिनिस्टर राजेश टोपे ने वो लेटर लेके साहब के पास गए, साहब के हाथ में वो लेटर दिया, सभी आज साहब के साथ जो विधायक है उनकी भी साइन उसमें है, मेरे साथ जो विधायक है उनकी भी साइन उसमें है, और वो बताया कि अगर बीच में अढ़ाई साल में कोरोना करीबन एक डेढ़ साल चालू था, कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं डेवलपमेंट का, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे आते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ काम वहां होना चाहिए, वो काम नहीं हुआ है, इसीलिए जैसे आपने 2014 में से बाहर से सपोर्ट किया था भारतीय जनता पक्ष पार्टी को, फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने थे, तो हम चुनाव का रिजल्ट चालू था, क्लियर रिजल्ट आया नहीं था, तो ही डिसीजन मेरे ख्याल से प्रफुल्ल पटेल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया हमने बाहर से सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट कोई भी हंग असेंबली आ रही है तो हमारा इनको सपोर्ट है, और वो सपोर्ट देने के बाद हमें कहा गया कि सब जाओ देवेंद्र के, नहीं तब तो 2014 की बात है, हाँ। आप कह रहे हो 2000, नहीं, सुनो सुनो सुनो, वो तब हुआ, बाद में 2019 का जाने दो, ये उद्धव जी का गवर्नमेंट गया तो ये सब होने के बाद हमें हमारे प्रमुख ने ये जो बताया कि आप ऐसा करो, हम जरा सोचेंगे और इसमें से रास्ता निकालेंगे, सभी का कहना था, फिर ऐसा होगा कि वो रिजाइन करेंगे, मेरे ख्याल से 1 मई या 2 मई तारीख थी, और रिजाइन करने के बाद वहां नया पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाएगा 2-3 दिन में, हम 14-15 लोग इकट्ठा होके
उसके बारे में तय करेंगे और आगे का होगा। लेकिन वो बाद में हुआ नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट किया लेकिन बाद में क्या हुआ हमें अधिकार नहीं उनको पूछने का कि क्यों चेंज हुआ, वो उनका अधिकार है। तो आप कह रहे हैं पवार साहब एक एटलीस्ट पार्टी तैयार थी भाजपा को सपोर्ट करने उस समय। लेकिन मेरा ये सवाल आपको है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस के जनरल विवेक कहते हैं कि अजीत पवार की वजह से हम हारे हैं, कि अजीत पवार की वजह से अजीत पवार की एक छवि बन गई है। ये उस जर्नल में है कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसी अजीत पवार को जिसको हमने टारगेट किया कि वो करप्ट है उसी अजीत पवार के साथ जुड़ गए, इसलिए हमारा नुकसान हुआ। क्या कहेंगे? मेरे ऊपर एलिगेशन कब हुए? 2019 में अभी 2024 चालू है। इतने साल में मेरे ऊपर अगर एलिगेशन हुए, मैटर चली, कोर्ट में चली, उसमें कुछ भी नहीं निकला ना। एलिगेशन करना बहुत आसान है सर, लेकिन आरएसएस बीजेपी खुद कह रही है। अभी आपने सवाल पूछने के बाद जवाब देने के लिए कुछ तो टाइम दे दो प्लीज। हाँ, तो फिर उसमें मेरे ऊपर एक भी जो एलिगेशन हुआ वो सिद्ध नहीं हुआ। फिर इसके बारे में मैंने किसके साथ चर्चा की थी? मैंने दिल्ली वालों के साथ चर्चा की थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड नड्डा जी। और या किसके साथ चर्चा की थी? देवेंद्र जी के साथ चर्चा की थी। हमारी जो चर्चा हुई गवर्नमेंट में जाने के बारे में, इतने ही लोगों के साथ चर्चा की थी। बाकी लोगों के साथ चर्चा करने का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, ये प्रेस में आ रहा है, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। आप महायुति में रहेंगे? अभी तो महायुति में है ना, मैं महायुति का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो महायुति में ही हूँ। नहीं, ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में अगर आपको उतनी सीटें नहीं मिली जितने आप चाहते हैं, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये देखो, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से तीनों बैठेंगे। कल भी हम अमित भाई के साथ बैठे थे औरंगाबाद संभाजी नगर में और चर्चा हमारी हुई है। आपको जल्दी पता चलेगा कि 288 सीट में कितने बीजेपी के पास, बीजेपी कितने सीट पे लड़ना चाहती है, हमारे एकनाथ शिंदे जी कितने सीट पे लड़ना चाहते हैं और हम कितने सीट पे लड़े। तो आप यहाँ आश्वासन दे रहे हैं नो क्वेश्चन ऑफ महायुति ब्रेकिंग, कोई ब्रेक नहीं होगा? नो no.